हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ए वीडियो रे हमें रिलेटिव क्लॉज जहां को के हमें एडजेक्टिव क्लॉज मध्य कहता हूं ता विषय रे हमें डिस्कशन करबा एवं क्यों प्रकार सेंटेंस रे रिलेटिव प्रोनाउन को हमें ड्रॉप करि परबा ताहा को मध्य बा तार मध्य गुटे शॉर्टकट ट्रिक को देखिबा। क्लॉज कौन एवं यहार डिफरेंट टाइप्स को लेकिन अनेक गुड स्टूडेंट कन्फ्यूज होती तार विभिन्न टाइप्स एवं क्लॉज गुड़िक मध्य डिफरेन्स को लेकिन अनेक गुड स्टूडेंट कन्फ्यूज था। लास्ट दुईट वीडियो रे गोटे वीडियो रे हमें डिस्कशन कर दिले क्लॉज कौन एवं यार टाइप्स एवं सेकंड वीडियो रे हमें डिस्कशन कर दिला कि नाउन क्लॉज कौन एवं यार पांचोटी फंक्शन जमीती कि क्यों स्थान रे क्लॉज टी बा नाउन क्लॉज टी एज ए सब्जेक्ट भलिया काम करता है, ऑब्जेक्ट भलिया काम करता है, केतेबेले कॉम्प्लीमेंट भलिया, केतेबेले ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एवं केतेबेले एपोजिशन भलिया कार्य करता है। जो माने मध्ये से वीडियो को देखि नांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंक अछि जाय कि देखिन। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करवा ता पूर्व मु कहबा को चाहि जे माने मध्ये एही चैनल रे नुआ चैनल को निश्चय भाबे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे तिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु जत द्वारा कि आगामी सब इंपोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग वीडियो गुडी कर नोटिफिकेशन टाइम टाइम पाई परबे एवं निश्चय वीडियो को लाइक करंतु। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा। फास्ट चलांतु देखिबा क्लॉज कौन एवं यार टाइप जहाँ को कि हमें यार प्रीवियस वीडियो रे मध्ये डिस्कशन कर दिला। क्लॉज क्लॉज रो अर्थ कौन क्लॉज रो अर्थ हैला वाक्य खंड। गोटे वाक्य रो गोटे खंड को हमें क्लॉज कहता हूँ। जो वाक्य खंड रे कि गोटे सब्जेक्ट थाए एवं गोटे भार थाए एवं तार किछि अर्थ बुझाउ थाए एवं एही क्लॉज को हमें दुई भाग रे व्यक्त कर जो जाके हैला इंडिपेंडेंट क्लॉज एवं अन्यटे हैला डिपेंडेंट क्लॉज। एही डिपेंडेंट क्लॉज को हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज मध्य कहता एवं एही सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हमें पूरी तीन टी टाइप्स रे डिवाइड कर छु जाके हैला नाउन क्लॉज जहाँ को कि हमें पूर्व वीडियो रे डिस्कशन कर देला। तापर अछि रिलेटिव क्लॉज जहाँ को कि हमें आज ही पढ़िबा एवं नेक्स्ट वीडियो रे हम पढ़िबा एडवर्ब क्लॉज। यार पूर्व वीडियो गुडा कर हमें क्लॉज कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन डिपेंडेंट क्लॉज कौन यहाँ को मध्य डिस्कशन कर देला। जे माने देखि नांती डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे आछि जाई कि देखिन। तो चलो तो देखिबा रिलेटिव क्लॉज कौन बा एडजेक्टिव क्लॉज कौन। एडजेक्टिव क्लॉज जानिबा पूर्वरु आमे फास्ट जानिबा कथा कि एडजेक्टिव कौन एवं क्लॉज कौन। क्लॉज को तो वर्तमान आमे डिस्कशन करला जहार अर्थ कि होची खंड वाक्य। जेउ खंड वाक्य रे कि गोटे सब्जेक्ट एवं गोटे भार थाए एवं सेही खंड वाक्य रो किछि अर्थ बुझाउ थाए ताहा को आमे क्लॉज कहितो। एडजेक्टिव कौन एडजेक्टिव होची सेही शब्द जेउ शब्द कि कोनोसी नाउन बा प्रोनाउन विषय रे अधिक सूचना देथाय किमा तार क्वालिटी को बताई थाए। नाउन कौन नाउन अर्थ है जे कौन सी वस्तु व्यक्ति बा स्थान नाम को ही नाउन कहा जाए। ए नाउन है एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच रो समस्त वीडियो ऑलरेडी अपलोड की होची जे माने मतलब चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाकि देखि। तो फास्ट चलो तो देखिए आम एडजेक्टिव कौन एवं तापर आम एडजेक्टिव क्लॉज कौन ताकि डिस्कशन करवा। आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक मो पाखे गोटे इंटरेस्टिंग बुक बा चित्ताकर्षक बह बा जो बह को पढ़ाक बहुत भल लगे बहुत इच्छा लगे आम कहता हूँ इंटरेस्टिंग बुक। तो से कहते कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक मो पाखे गोटे इंटरेस्टिंग बही अच्छी। तो ये सेंटेन्स नाउन है बुक एवं नाउन को क्यों शब्द डेस्क्राइब करा इंटरेस्टिंग जहाँकि गोटे एडजेक्टिव। तो यही बुक जहाँकि गोटे नाउन यहाँ डेस्क्राइब कर शब्द जहाँकि इंटरेस्टिंग ताकि गोटे एडजेक्टिव। तो जदि आम एडजेक्टिव स्थान नाउन को वर्णना करुवा कौन सी शब्द बदल रे यही शब्द बदल रे जदि आम गोटे क्लॉज व्यवहार कला तो ताहाकु ही आम कह एडजेक्टिव क्लॉज। चलंतु एग्जांपल द्वारा बुझिबा आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक व्हिच यू गेव मी या को मैं रेड पढ़वा कारण यह है भिथ्री भिवान है रीड भिटू है रेड एवं भिथ्री है रेड रीड रेड रेड हुए तो समस्त स्पेलिंग समान किंतु तार प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। तो सेंटेंस टी अच्छी आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक व्हिच यू गेव मी यही सेंटेंस रे नाउन के नाउन है बुक एवं ए बुक विषय रे क्यों जिनिस अधिक इनफॉरमेशन दउची ताहा हउची व्हिच यू गेव मी हैला गोटे क्लॉज जेउटा रे कि गोटे सब्जेक्ट थाए एवं गोटे भार थाए। तो द बुक ए बुक नाउन विषय रे क्यों क्लॉज डिस्क्राइब करची व्हिच यू गेव मी यही क्लॉज डिस्क्राइब करची अर्थात नाउन को जो शब्द डिस्क्राइब करते ताको हमें एडजेक्टिव कहता हूं एवं जदि यही गोटे शब्द बा यही इंटरेस्टिंग बदल रे हमें जदि व्हिच यू गेव मी टोटल गोटे क्लॉज लिखला बा यही क्लॉज टी जदि नाउन को डिस्क्राइब करची ताहा को ही हमें कहता हूं एडजेक्टिव
क्लज अर्थात जे कौनसी भी क्लज जदि कौन गोटे नाउन कि प्रोनाउन को डेस्क्राइब करछि ताहाकु ही आमे कहिथौ एडजेक्टिव क्लज। चलंतु आमे आउ कते गुडी एग्जांपल लेकि आउ टिके क्लियरली बुझिबा। द बुक व्हिच इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन, तो ए सेंटेंस रे क्लज ला व्हिच इज लेइंग ऑन द टेबल एवं बाकी सेंटेंस कोन द बुक इज माइन ए बॉयटी मोर अटे, तो व्हिच इज लेइंग ऑन द टेबल या कोन या होची गुटीए क्लज एवं एही क्लज टी कहा विषय रे सूचना दुची बा क्यों जिनस विषय अधिक कहूँ ताला बुक बुक कौन बुक हूँ गोटे नाउन, तो कौन सी नाउन विषय जदि कौन क्लज अधिक इनफर्मेसन दे तार क्वालिटी तार गुण विषय किसी बदला से ही क्लज को ही आम कहता हूँ एडजेक्टिव क्लज। तापर नेक्स्ट अच्छी द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड, ए सेंटेंस क्लज है Who always gives me book? जे कि मते बही दिए, जे कि सब वाले मते बही दिए। तो यही सेंटेंस रे नाउन है ला बॉय एवं बॉय विषय रे कौन अधिक इनफॉरमेशन दो ची बा क्यों क्लास टी Who always gives me book? जे कि मते सब वाले बही दे ही थाए। सही वाला कोटी जीव वाला को की सब वाले मते बही दे ही थाए। तो यही बॉय विषय रे अधिक इनफॉरमेशन दे तो बा क्लास को ही हमें कहता हूँ एडजेक्टिव क्लास। आउ किसी गुड़े एग्जाम्पल नहीं बा जद्वारा कि एडजेक्टिव क्लज को आम आउ क्लीअर हो पारा जमीन कि फास्ट अच्छे द बार्ड्स व्हिच लिव इन द नाइबरहुड आर चिर्पिंग, तो ए सेंटेंस क्लज है व्हिच लिव इन द नाइबरहुड एवं मेन सेंटेंस है द बार्ड्स आर चिर्पिंग चिर्पिंग अर्थ चोड़े मान शब्द को आम चिर्पिंग कहता हूँ। तो ए सेंटेंस बार्ड्स जहाँकि गोटे नाउन एवं नाउन विषय जो क्लज अधिक इनफर्मेसन देखिए आम एडजेक्टिव क्लज कहता हूँ जहाँकि व्हिच लिव इन द नाइबरहुड जो चोड़े गुड़ाक कि पड़ोशी रोचार साधारण व्हिच रर्थ आम क्योंटी बोली जानूँ कितु जिते रिलेटिव प्रोनाउन व्यवहार था जो गुड़िक सेन्स व्यवहार थाए अच्छी आई राइट विथ द पेन मुझसे कलम सहित लिखुची व्हिच माय फादर बॉट फॉर मी जो कलम कि मो बापा मोपाई आनले, तो ए सेंटेंस द पेन है नाउन पेन है नाउन एवं पेन क्यों पेन से पेन विषय इनफर्मेसन दे क्लज कौन व्हिच माय फादर बॉट फॉर मी जो पेन कि मो बापा मोपाई आनले, तो ये पेन विषय अधिक इनफर्मेसन देच माय फादर बॉट फॉर मी यहाँ गोटे क्लज माय फादर अच्छी सब्जेक्ट बाहर बेला बॉट एवं जेहेतु गोटे क्लज जहाँकि नाउन विषय अधिक इनफर्मेसन देखिए कहता हूँ एडजेक्टिव क्लज। तापर अच्छी द सिक होम फ्लोरेन्स नाइटिंगेल नर्स वेयर डिलाइटेड, तो यही सेंटेंस क्लज है होम फ्लोरेन्स नाइटिंगेल नर्स जहाँ कि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल सेवा करी, तो सेंटेंस नाउन है सिक सिक अर्थ कौन सिक अर्थ है रोगिणा जे रोग से पीड़ित, तो द सिक से रोगीटी वेयर डिलाइटेड से कौन है खुशी होगा एवं यही सिक विषय अधिक इनफर्मेसन किए दे होम फ्लोरेन्स नाइटिंगेल नर्स जहाँ को कि होम रर्थ ये सेन्टेन्स क्या नुह ये सेन्टेन्स जहाँ को, तो होम फ्लोरेन्स नाइटिंगेल नर्स हूँ गोटे क्लज जहाँकि नाउन विषय अधिक इनफर्मेसन देणु यह गोटे एडजेक्टिव क्लज। तापर अच्छी आई लाइक द मैन मैन है नाउन हु हैज ए स्माइलिंग फेस कहार स्माइलिंग फेस अच्छी मैन रैन कौन गोटे नाउन, तो नाउन विषय जो क्लज बा जो शब्द अधिक इनफर्मेसन देता है ताको हमें एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव क्लज कहता हूँ जेहेतु ये सेंटेंस गोटे क्लज अच्छी तो यहाँ आम कह एडजेक्टिव क्लज। तापर अच्छी थीप चोरटी चोरटी है नाउन थीप है नाउन हु हैड रॉब्ड मी जे कि चोरी करी एस्केप इन द डार्क से अंधार में खसी पलैला, तो मेन सेंटेंस है द थीप एस्केप इन द डार्क चोरटी खसी पलैला, तो Who had robbed me? जे कि मते चोरी कला तो जे कि मते चोरी कला यह कहा विषय कौच या द थीप विषय कौच, तो जेहेतु द थीप गोटे नाउन Who had robbed me गला गोटे एडजेक्टिव क्लज। अर्थात एथिरु आम जानला जे कौन भी क्लज जदि कौन गोटे नाउन कि कौन गोटे प्रोनाउन विषय अधिक इनफर्मेसन दे तो से ही क्लज को ही आम कहता हूँ एडजेक्टिव क्लज बा रिलेटिव क्लज कहता हूँ। वर्तमान चलते देखा क्यों प्रकार सेंटेंस गुड़िक
आम रिलेटिव प्रोनाउन जहाँकि हु हेला हुईज हेला दैट हेला होम हेला आम रिलेटिव प्रोनाउन कहीदेव एवं रिलेटिव प्रोनाउन गुड़िक साधारणतः एडजेक्टिव क्लज आरंभ रु आसी था तो बेले बेले कौन हुए यही एडजेक्टिव क्लज प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन को आम बेले बेले काढ़ी पाई अर्थात से सेंटेंस रु जदि आम से रिलेटिव प्रोनाउन को जब काढ़ा तथापि से सेंटेंस सेम सेम ही रान ही र किंतु कौन आम सब सेन्टेन्स सब एडजेक्टिव क्लज रु आम कौन रिलेटिव प्रोनाउन को काढ़ी पारा कि ना तार गोटे रूल अच्छी से ही रूल अनुसार ही आम से एडजेक्टिव क्लज रिलेटिव प्रोनाउन को आम ड्रॉप कर तो चलो यहाँ आम एग्जांपल द्वारा बुझा कौन सी सेन्टेन्स जदि एडजेक्टिव क्लज अच्छी से ही एडजेक्टिव क्लज जदि कौन सब्जेक्ट दिहोई ताहले से ही एडजेक्टिव क्लज रिलेटिव प्रोनाउन को ही आम ड्रॉप कर जदि यहाँ आउट के इजी वे कह तो रिलेटिव प्रोनाउन पर जो कौन सब्जेक्ट अच्छी जमीक उई हेला आई हेला राम हेला मोहन हेला ही हेला यहीपर जेकोसी सब्जेक्ट अच्छी से ही रिलेटिव प्रोनाउन को आम ड्रॉप कर जदि से रिलेटिव प्रोनाउन पर जो भार्ब अच्छी तो ताको आम के ड्रॉप कर चलत यहाँ एग्जांपल द्वारा बुझा जमीक द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग क्रिकेट लिव इन दिस लोकालिटी तो यही सेंटेंस रे एडजेक्टिव क्लज है हु आर प्लेइंग क्रिकेट जहाँकि चिल्ड्रेन विषय सूचना दे तो यही सेंटेंस रे रिलेटिव प्रोनाउन है हु तो हु को आम काढ़ी पारा कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट लिव इन दिस लोकालिटी तो यहीपर भाव करें कारण यही हु रिलेटिव प्रोनाउन पर जहाँ अच्छी सब्जेक्ट नुह ता गोटे भार तेणु यहाँ आम के काढ़ी पारा ना यह हु ही सेकेंड अच्छी आई हैव रेड द स्टोरी बुक दैट माय फादर बॉट यस्टरडे तो यही सेंटेंस रे नाउन हेला बुक एवं क्लज हेला एडजेक्टिव क्लज हेला दैट माय फादर बॉट यस्टरडे तो यही एडजेक्टिव क्लज रे रिलेटिव प्रोनाउन हेला दैट एवं दैट परे कौन अच्छी दैट परे अच्छी माय फादर तो माय फादर कौन गोटे सब्जेक्ट यस माय फादर हूँ गोटे सब्जेक्ट जहाँकि एडजेक्टिव क्लज सब्जेक्ट जदि रिलेटिव प्रोनाउन परे जदि सब्जेक्ट आसुची तो से ही रिलेटिव प्रोनाउन को आम काढ़ी पारा अर्थात यही स्थान जब आम दैट को काढ़ा तार सेन्स सेम रमी आई हाव रेड द स्टोरी बुक माय फादर बट यस्टरडे द शॉपकीपर हु आई वाज वर्किंग फर इज ए गुड पर्सन तो यार मेन सेंटेंस है द शॉपकीपर इज ए गुड पर्सन एवं एडजेक्टिव क्लज कौन हु सब एडजेक्टिव क्लज टी कौन गोटे रिलेटिव प्रोनाउन रु स्टार्ट होता है हु आई वाज वर्किंग फर जहाँपाई कि मुझ करूली तो ये सेंटेंस रे रिलेटिव प्रोनाउन है हु एवं रिलेटिव प्रोनाउन पर कौन अच्छी आई अच्छी जहाँकि हूँ गोटे सब्जेक्ट तो जेहेतु सब्जेक्ट अच्छी यही रिलेटिव प्रोनाउन को आम काढ़ी पारा अर्थात यही स्थान में हु को एलिमिनेट कर द शॉपकीपर आई वाज वर्किंग फॉर इज ए गुड पर्सन तापर अच्छी इट इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट वी कैन गिव अबाउट सॉक्रेट्स यही सेंटेंस रे क्लज है दैट वी कैन गिव अबाउट सॉक्रेट्स एवं रिलेटिव प्रोनाउन है दैट एवं दैट पर कौन अच्छी वी अच्छी वी हूँ गोटे सब्जेक्ट जेहेतु गोटे सब्जेक्ट अच्छे रिलेटिव प्रोनाउन पर यही दैट को आम काटिपर दैट को आम ड्रॉप कर अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन पर जो कौन सब्जेक्ट आसूची जमीक मोहन हेला वी हेला माय फादर हेला आई हेला यू हेला तो से ही सिचुएसन आम से ही रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर पारा एवं जदि से ही रिलेटिव प्रोनाउन पर जो भार्ब आसूची तो से ही सिचुएसन आम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर पारा ना जमीक जदि रिलेटिव प्रोनाउन पर ड्री अच्छी वार्कस अच्छी इज अच्छी नि जदि यहीपर भार्ब अच्छी रिलेटिव प्रोनाउन पर तो से ही रिलेटिव प्रोनाउन को आम के ड्रॉप कर पारा ना यहाँ भिडियोर एंड भिडियोटी जब बुझीगला कि पसंद आसा निश्चय भिडियो को लाइक करूँ और चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ एवं यही कनसेप्ट सहित सेयार करूँ एवं भिडियोटी केमी लगेगा निश्चित भाव कमेंट बक्स में कमेंट करके बतेबे चलां तो नेक्स्ट वीडियो में आम आ गोटे नुआ कनसेप्ट लेकिन आसवा एवं ताहा को अति सिंपल वे रे डिस्कशन करवा थैंक यू।